भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता जुबैर मजीद ने जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के मतदान में सभी मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने भाजपा के 10 साल के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अशांत घाटी में शांति स्थापित की है और स्थिति में सुधार हुआ है, लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और पर्यटन व्यापार को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आएगा, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, नियुक्तियों में पारदर्शिता लाई जाएगी, व्यापारियों, हाउस बोट मालिकों, कारीगरों, दिहाड़ी मजदूरों और अन्य की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मजीद स्टेट स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेपी यूथ विंग जे एंड के। ऐसा कि हमें लोगों का प्यार मिल रहा है, हमारा अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है लोगों का, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो थर्ड फेज आने वाला है लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेंगे, अपनी जमहूरियत पे मतलब कायम रहेंगे, अपनी जमहूरियत पे ऑलरेडी तो हम सबों को यकीन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे हम यकीन रखते हैं, इंशाल्लाह लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इलेक्शन में, तो हम चाहते हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट दें। जो है आपको पता है यहाँ पे कैसा ट्रेंड चल रहा है, तो जैसा कि पता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है कि यहाँ पे कैसे मोदी जी ने काम किया। सबसे बड़ी चीज है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एक चीज है जहाँ पे पीस है, पकड़ तकड़ बंद हो गई है। तो मेरे ख्याल से एज अ यूथ मैं भी बात करता हूँ, क्योंकि आप भी यूथ है, आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसी डेवलपमेंट हो गई है। रोड्स वगैरह थे जो कुछ बाकी कामें पेंडिंग थी वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज कुछ दिनों में ही सुनवाई होती है, कहीं भी अगर कुछ काम होता है तो बहुत सारे जो पीएम मोदी जी ने जो यहाँ पे लॉन्च किया है स्कीम है, तो उस पे लोग खड़ा उतरेंगे, इंशाल्लाह लोगों का हमारा विश्वास है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो डेवलपमेंट आई है पीस की, अमन, तरक्की, खुशहाली जो यहाँ पे डेवलप, मैं उस चीज को बड़ी डेवलपमेंट बोलता हूँ। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह लोग हमारे जो मोदी जी हैं उनका हाथ मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार आएगी इंशाल्लाह। भाई साहब मैं आपको एक बता दूं, उनका जो काम ही है पिछले बहुत सालों से उनका काम है कि बीजेपी पे, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार पर मतलब उनकी तनकीद करना। देखिए जो भी अच्छा काम करता है, मोदी जी ने इतनी अच्छी काम की है, तो अल्टीमेटली जो इनको उनकी कुर्सी की भूख है और कुछ नहीं है, आम नागरिक से आप पूछिए वो खुश है मोदी जी की सरकार से, पूरे देश के लोग खुश है, तो इनका काम भी है जो मतलब मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी सरकार चल रही है पूरे देश में, पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में अभी चल रहा है, मैं वो कह रहा हूँ कि उनका काम भी है इनकी तनकीद करना। 10% हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह अगले आने वाली सरकार बीजेपी की होगी। सर मैं आपको एकदम, पीडीपी तो टूट चुकी है, उसका कहीं नाम निशान है नहीं, तो उनका ये मुझे लगता है कि जो ये कह रहे कि यहाँ पे पीडीपी की बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी, वो अपना अपना रद्दअमल होगा या उनका अपना जाती ओपिनियन होगा, पर मुझे उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी बात करेंगे। भाजपा के बगैर यहाँ पे कोई सरकार नहीं बनने वाली। तो नॉर्थ कश्मीर के लोगों से यही अपील रहेगी कि मेहरबानी करके आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्योंकि उनके कामों पर वोट दें, जो पीएम मोदी जी ने यहाँ पे काम किए, स्कीमें दिए, तो जो गरीब का हक है वो उनको वापस मिला, तो मोदी जी का नारा ही है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास सबका प्रयास, तो हम उन्हीं कामों पे खड़ा उतरेंगे इंशाल्लाह। आप मोदी जी पे विश्वास रखें, मोदी सरकार पर विश्वास रखें, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखिए, तो इंशाल्लाह हम आपके काम जो है वो सर अंजाम लाएंगे। आप एक बार मोदी जी को जिताइए, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से वोटों से कामयाब बनाइए।